चौथा अनुव्रत ब्रह्मचर्य अनुब्रत चौथम मैथुन विरति है जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है दिव्य भोगो न भोगो दो करण त्रय योग से विरत मैथुन से रहू मैं आत्मबल सहयोग से मनुष्य काम भोग अन्य है ना करूं मैं कभी सेवन काय से संकल्प है तो सुधार साधु के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का अब्रह्मचर्य का त्याग होता है तो जिसको हम महाव्रत कहते हैं यहीं पर श्रावक के लिए कहा गया स्वदार संतोष और स्वदार, दार का मतलब होता है पत्नी स्वदार, अपनी पत्नी अपनी पर संतोष करना तो चौथम अनुबयम चौथा अनुव्रत थुलाओ मोटे तौर पर स्थूल रूप से मैं होनाओ वेरमणम मैथुन से काम भोगों से विरत होना अनुप्रत चौथा निरूपित स्थूल मैथुन विरति है चौथा अनुप्रत निरूपित कहा गया है क्या कहा है स्थूल स्थूल रूप से मैथुन से विरति है तो यहाँ स्थूल रूप से का मतलब होता है कि वही सुदार संतोष की बात कही गई है मैथुन से विरत होना चौथा अनुव्रत है जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है कुछ समय के लिए कोई पालन करता है कोई जिंदगी भर के लिए पालन करता है तो ये ब्रह्मचर्य का तपो में सबसे अधिक उत्कृष्ट तप ब्रह्मचर्य को माना गया है तो कहा गया जिंदगी भर पालने से जिंदगी भर इस व्रत का कोई पालन करता है तो सहज ही उसकी सुगति होती है चार जो गतियां हैं नरक तिरंज मनुष्य और देव तो दो इसमें सुगति है दो दुर्गति ही है नरक और तिरंज दुर्गति है कोई भी किसी भी गति में कोई भी जा सकता है तो लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत के लिए कहा गया कि इसका कोई पालन करता है तो उसकी 100 परसेंट सुगति अच्छी गति ही होती है दिव्य भोगों को न भोगों दो करण त्रयोग से दिव्य जो भी देवता संबंधी भोग हैं उनको भी न भोगों कितना दो करण और तीन योग से वही करण का मतलब होता है करना कराना अनुमोदन करना अनुमोदन श्रावक का बहुत सारे चीजों से वो जुड़ा हुआ होता है इसलिए अनुमोदन को हमेशा ही उसका छोड़ देते हैं तो दो करण करना और कराना त्रय योग मन वचन काया मन वचन काया से न करूंगा न कराऊंगा तो त्रय योग से विरत मैथुन से रहूं मैं आत्म बल सहयोग से विरत मैथुन से रहू मैं मैथुन से विरत रहूं, उसमें निर्लिप्त रहूं, अलिप्त रहूं, किसके सहारे एक तो होता है कि व्यक्ति सिर्फ काया से करता है एक वचन से करता है। और एक मन से आत्मबल से। तो मैं आत्मबल के सपोर्ट से आत्मा के सपोर्ट से मानसिक रूप से मैं मैथुन से रहित रहूं, दूर रहूं, काम भोगों से दूर रहूं या तिरं विषय काम भोग अन्य है मनुज या तिरंत विषय मनुष्य से संबंधित तिरंत से संबंधित काम भोग अन्य बहुत अधिक है ना करूं मैं कभी सेवन काय से संकल्प है मेरा संकल्प है कभी भी काया से इस प्रकार का मैं ना कभी ना करू मैं कभी सेवन कभी भी अब्रह्मचर्य का सेवन काया से मैं नहीं करूंगा इस प्रकार का मेरा संकल्प है वापस ध्यान दे देंगे चौथम अणुबयम थुलाओ मेहुणाओ वेरमणम अणुप्रत चौथा निरूपित मैथुन विरति है जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है दिव्य भोगों को न भोगो दो करण त्रय योग से विरत मैथुन से रहो मैं आत्म बल सहयोग से मनुजिया तेरी अंच विषयक काम भोग अनल्प है ना करू मैं कभी सेवन काय से संकल्प है क्या क्या दोष लग सकता है उन दोषों से भी हम कैसे बच सकते हैं तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत के पांच अतिचार पांच दोष कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया बिना पानी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया काम क्रीडा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा तीव्र भोगा शक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा कुछ समय आश्रित पांच दोष कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया कुछ समय के लिए पैसा आदि से खरीद करके यदि वैश्या आदि के साथ सिर्फ आलाप यदि काम संबंधी बात करते हैं आलाप संलाप करते हैं वार्तालाप करते हैं तो वो भी ब्रह्मचर्य में दोष लग जाता है तो आश्रित बना हुआ कोई भी वेश्या आदि के साथ कुछ समय के लिए पैसा दे करके यदि मैंने उनके साथ आलाप संलाप किया है बिना पानी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया और शादी हुई नहीं है पता है उस लड़की के साथ सगाई हो गई है या कुछ भी तो बिना पानी ग्रहण उसके साथ यदि हम यदि प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया जाता है वो भी ब्रह्मचर्य में दोष लग जाता है तो इस प्रकार बिना पानी ग्रहण संलाप करके प्रश्रय दिया प्रश्रय दिया अपने उन भावों को यदि हमने प्रश्रय दिया काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा यहाँ दो चीज है, है दूसरी बात पर विवाह दूसरों के शादी के संबंध में भी इसमें भी बहुत पाप लगता है तो शादी तो का भी उसके साथ इसका जो भी कनेक्शन आदि करवाते हैं अनुमोदना करते रहते हैं बोलते हैं तो वो भी दोस्त के भागीदार बन जाते हैं तो पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा एक्टिव रहे हैं तीव्र भोगा शक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा, बहुत ज्यादा भोगों के प्रति आसक्ति का यदि स्रोत एक धारा बह गई हो जीवन में तो जो मैं देवसियो अयारो को तस्मिच्छा में दुक्कड़म दिवस संबंधी किसी प्रकार का कोई अतिचार लगा है दोष लगा है मैं उसके वो मेरा मिथ्या हो दुष दुस्क, दुष्कृत मेरा मिथ्या हो कुल मिला के संबंधित तो या किसी की हम अनुमोदना भी कर रहे हैं उससे अपने आप को जितना बचाया जा सके तो दो अपने त्याग को और अधिक बढ़ा सकते हैं वापस ध्यान दे देंगे ब्रह्मचर्य अनुव्रत के पांच अतिचार कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा तीव्र भोगा शक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा जो मैं देवसियो अय्यारों को तस्मिछा दुक्कड़ ओम आराम